हमारे पास मेजोरिटी है। स्पीकर महोदय जी भी मेरिट पर हमारे को निकाल देंगे। इस राज्य के मुख्यमंत्री गैर कानूनी तरीके से सत्ता पर बैठे, हमारी तरफ से लगेगा क्योंकि संख्या को यहाँ पर मजबूती से संख्या हमारे साथ में है। दोनों मिलकर प्रजातंत्र की हत्या करने की साजिश कुछ कर रहे हैं। जब वो स्वयं मुख्यमंत्री थे तो शायद उन्हें ज्यादा इस विषय की मालूमात लेने का वक्त नहीं मिला होगा। तो देश और दुनिया की 40 खबरों के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबर की, डिटेल्स पड़ताल का। आज बुधवार है तो क्या ये बुधवार शिंदे सरकार के लिए आखिरी होने वाला है? क्या महाराष्ट्र में एक ऐसा फैसला आने वाला है जिससे कि मुख्यमंत्री शिंदे नहीं बल्कि कोई और होगा? और अगर शिंदे के खिलाफ फैसला आया तो क्या ये 2024 के लिए बीजेपी के लिए मुसीबत तो नहीं हो जाएगी आगे? वैसे जब से महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार आई है तब से लगभग हर रोज एक सवाल तो रहता था कि क्या ये सरकार टिकेगी, कहीं फडणवीस को कुर्सी पर तो नहीं बैठा दिया जाएगा या फिर अजीत पवार को मौके का फायदा होगा। और आज इन्हीं तमाम सवालों की बारीकी समझने और समझाने की कोशिश करेंगे, साथ ही 16 विधायकों पर होने वाले फैसले की भी पल पल की खबर आपको बताएंगे। हमारे साथ महाराष्ट्र की सियासत को नजदीक से समझने वाले तमाम सहयोगी भी जुड़ गए हैं। आप उन्हें देख रहे हैं, मुंबई से राजेश त्रिपाठी, कृष्णा ठाकुर और साथ ही लता शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। सभी का रुख करेंगे और क्या है महाराष्ट्र सरकार का पूरा गणित, आप सभी से बातचीत करके समझेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की एक जो बड़ी खबर है वो अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में आज का दिन खास है, बड़ा दिन। मुख्यमंत्री शिंदे समेत 16 एमएलएस पर फैसला आना है। दल बदल विरोधी कानून के तहत ये फैसला आएगा। स्पीकर राहुल नार्वेकर फैसला सुनाने वाले हैं। 16 विधायकों की अयोग्यता पर ये फैसला आने वाला है, तो ये फैसला काफी कुछ बदलेगा और इसीलिए आज का दिन महाराष्ट्र में खास हो जाता है। दल बदल विरोधी कानून के तहत फैसला सुनाएंगे थोड़ी ही देर में स्पीकर। ये फैसला आपसे थोड़ी देर बाद आएगा, जो भी होगा सबसे पहले आपको जानकारी देंगे। लेकिन सवाल क्योंकि कई हैं इसके बाद, शिंदे अयोग्य तो क्या और शिंदे योग्य तो क्या? आप जरा इसे ऐसे समझिए, शिंदे अयोग्य तो क्या, सीएम पद छोड़ना पड़ेगा, अजीत पवार का कद बढ़ेगा, अजीत पवार के समर्थन से नई सरकार, शिंदे अयोग्य तो क्या, सीएम पद पर वो बने रहेंगे, शिंदे का जो यहां पर सियासी कद है वो बढ़ेगा, यानी कि अगर योग्य हुए तो कई उद्धव समर्थक पार्टी छोड़ सकते हैं। तो ये फैसला तय करेगा कि शिंदे योग्य होंगे या अयोग्य और उसके बाद परिस्थितियां कैसे बदलेंगी। लेकिन सबसे पहले आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। कृष्णा ठाकुर, सबसे पहले आपके पास आती हूं, ये बताइए जल्दी से कि कितनी देर में ये फैसला आने वाला है? देखिए शिरीन, मैं इस वक्त विधान भवन में मौजूद हूं और अब से आधे घंटे का ही इंतजार है जब विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर फैसला पढ़ना शुरू करेंगे। दोनों ही गुट के जो वकील हैं वो विधान भवन में पहुंच चुके हैं और आधे घंटे का महज इंतजार है, उसके बाद जो फैसला है वो पढ़कर सुनाया जाएगा। जो मेन मुद्दे हैं उनको बुलेट पॉइंट्स में पढ़ा जाएगा और सामने जो है उनको डिटेल रखा जाएगा। ये बताया जा रहा है कि जो डिटेल्ड हार्ड कॉपी है वो देर शाम तक आएगा। उससे पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ इस पूरे मामले में कि उद्धव गुट के जो एमएलए हैं वैभव नायक, उनका एक स्टेटमेंट आया है और वो ये कह रहे हैं कि फैसला किसके पक्ष में आएगा वो हमें पहले ही पता है। और ये दो दिन वैभव नायक ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दो दिन पहले यानी कि रविवार के दिन एकनाथ शिंदे और स्पीकर की मुलाकात हुई थी। तो ये कह रहे हैं कि वैभव नायक ये कह रहे हैं कि फैसला हमारे विरोध में आएगा, ये हमें पहले ही पता है। और सीधे तौर पे ये निशाना साध रहे हैं कि किस तरीके से जो मुलाकात हुई थी दोनों के बीच में उसके बाद से लगातार ये सवाल उठाया जा रहा था कि क्या निष्पक्ष फैसला लिया जाएगा। तो अब जहाँ पे आरोप प्रत्यारोप का दौर आपने देखा कि सुबह से ही शुरू है, जो संजय राउत है वो कह रहे हैं कि ये सरकार जो है वो असंवैधानिक है। उसके बाद हमने आदित्य ठाकरे को सुना, आदित्य ठाकरे ने कहा जाहिर है क्योंकि अभी फैसला आया नहीं और उससे पहले ही इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। कृष्णा, नजर बनाकर रखिएगा, जैसे ही कोई अपडेट होगा जल्दी से दीजिएगा। देखिए इसी बीच महाराष्ट्र का फैसला तो अब से कुछ ही देर में आ जाएगा, स्पीकर नार्वेकर ऑनलाइन फैसला पढ़ेंगे, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। उद्धव और शिंदे गुट को बेसब्री से इस फैसले का इंतजार है क्योंकि फैसले से तय होगी महाराष्ट्र में स्थिर सरकार। फैसला आने के बाद
प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है और इसके बारे में डिटेल जानकारी भी दी जा सकती है। स्पीकर राहुल नार्वेकर ऑनलाइन फैसला पढ़ेंगे थोड़ी ही देर बाद और क्या फैसला होता है उसके बाद ये सब कुछ सामने आ जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष क्या फैसला लेंगे अभी तो ये प्रश्न चिन्ह है, लेकिन कुछ जरूरी आपको चीजें यहां पर बताते हैं। कुल पिटीशन जो दी गई हैं उनकी संख्या है 34। ठाकरे गुट की पिटीशन 4 बार, शिंदे गुट की पिटीशन 2 बार यहां दाखिल की गई। अलग अलग फैसला दे सकते हैं स्पीकर, किसी याचिका को खारिज, किसी को स्वीकार किया जा सकता है। दोनों गुट के बागियों को अयोग्य करार दे सकते हैं। राहुल नार्वेकर स्पीकर हैं और उन्हीं का फैसला बहुत कुछ तय करेगा जो अलग अलग पिटीशन फाइल की गई हैं। और राजेश, क्योंकि आप भी इस पूरे मामले को शुरुआत से देख रहे हैं, भले ही आशंकाएं तमाम तरह की उद्धव गुट की तरफ से जाहिर की जा रही हो, लेकिन प्रक्रिया क्या होगी, क्या होगा इस फैसले को लेकर उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में? जी, प्रक्रिया जो है वो तो बहुत पहले से चल रही है, लेकिन आज जो है वो फैसला है। जैसे ही फैसला आएगा उसके बाद दोनों पार्टियों में किस तरह की गहमा गहमी होती है वो देखना होगा। मैं इस वक्त हूँ शिंदे गुट का जो यहाँ पर जो है पार्टी भवन है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ, बाला साहेब भवन। यहाँ पर लगातार शिंदे गुट के जितने भी विधायक हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। अगर मैं बात करूं तो करीब 15-20 विधायक अभी भी यहां पर मौजूद हैं और वो आ चुके हैं और उनकी बातों से जो लगता है, हमने बहुत सारे उनके लोगों से बातचीत की, प्रवक्ता से बात की, उनके विधायकों से बात की, वो बहुत ही अस्वस्थ हैं। क्योंकि इस एक किस्म बात देखने की लायक है कि सुबह जो है एकनाथ शिंदे सीएम खुद यहाँ पर मौजूद थे और वो अब महाराष्ट्र में यवतमाल के दौरे पर निकल गए हैं, तो किस तरह से उन्हें भरोसा है कि जो फैसला होगा उनके पक्ष में होगा, इसको ले करके जो है पूरे यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं, जरा आप योगेंद्र दिखाएं कि जो बाला साहेब भवन यहाँ पर है, ये शिंदे गुट का जो पार्टी दफ्तर है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी क्योंकि उनके गुट के लगातार जो विधायक हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ये फैसला आएगा यहाँ से ये सारे विधायक पैदल मार्च करते हुए विधान भवन तक जाएंगे और अपनी खुशी जाहिर करेंगे, अपने जो है जश्न की एक तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं। जिससे भी बात करो वो खुश और कह रहा है कि फैसला तो हमारे ही पक्ष में आएगा, क्योंकि पहले से जिस दिन से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके हैं उसी दिन से फैसला हो चुका है, लेकिन एक प्रक्रिया थी उस पर बातचीत चल रही है और बस थोड़ी देर का इंतजार है जब फैसला आ जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, जहां एक पक्ष आशंकित दिखाई दे रहा है तो दूसरा पक्ष जो है वो अपनी ताकत दिखाने की भी तैयारी कर रहा है, जश्न मनाने की भी तैयारियां है। आप रहिए हमारे साथ। तो देखिए, फैसला अभी आना है लेकिन फैसले से पहले हलचल भी तेज हो गई है और उससे पहले स्पीकर राहुल नार्वेकर ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। राहुल नार्वेकर ने कहा है कि नियम के मुताबिक ही फैसला आएगा, फैसला संविधान और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक होगा, आज का फैसला ऐतिहासिक होगा। राहुल नार्वेकर, फैसले से पहले उनका यह महत्वपूर्ण बयान कि जो कुछ होगा, जो भी फैसला सामने होगा वो संविधान और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक होगा और ऐतिहासिक फैसला होने की बात राहुल नार्वेकर जरूर यहां पर कह रहे हैं। तो अब ऐसे में देखिए, अभी तो महाराष्ट्र के लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं, लेकिन महाराष्ट्र के पास क्या ऑप्शन है ये आपको बता देते हैं जल्दी से। देखिए, नंबर एक, अगर शिंदे अयोग्य तो सीएम पद से इस्तीफा उनको देना होगा, तकनीकी तौर पर सरकार गिर जाएगी उसके बाद। ये पहला ऑप्शन है जिसकी परिस्थितियां ये बताती हैं कि अजीत पवार के विधायक ज्यादा हैं अभी जो दिखाई दे रहा है, सरकार दोबारा बनेगी और सीएम कोई और होगा, किसी और चेहरे को आप मुख्यमंत्री पद पर देखेंगे। नंबर दो, अगर शिंदे योग्य यानी उनके खिलाफ अगर ये फैसला नहीं जाता है तो शिंदे की सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं, फैसला सभी 40 विधायकों पर लागू होगा, अजीत गुट पर भी इसी तर्ज पर फैसला संभव है उसके बाद। अब नंबर तीन, कोई भी अयोग्य नहीं तो फिर क्या, ऐसा होने की संभावना हालांकि बहुत कम है कि इस तरह का फैसला हो, विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर निर्भर करता है कि क्या कुछ होगा आगे। और ये ऑप्शन नंबर चार है, अगर शिंदे योग्य तो 30 दिन के अंदर कोर्ट जाने का विकल्प उनके पास मौजूद है, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं दोनों ही पक्ष, कोर्ट फैसले पर रोक लगाता है तो याचिकाकर्ता को राहत मिल सकती है। तो ये तमाम फिलहाल वो ऑप्शंस हैं जो फैसले के बाद इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। बड़ी खबर आ रही है, इस पर हमारी नजर है, लेकिन अभी राम मंदिर से जुड़ी हुई, प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। देखिए, खबर ये मिल रही है कि सोनिया गांधी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएंगी, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएंगी, खड़गे अधीर रंजन भी नहीं जाएंगे। तो कांग्रेस के ये बड़े चेहरे जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएंगे, ये आरएसएस बीजेपी का कार्यक्रम है,
कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि ये आरएसएस और बीजेपी का समारोह है, कांग्रेस ने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें कांग्रेस ने इस निमंत्रण को अस्वीकार ये कहते हुए किया कि ये आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर, क्योंकि कांग्रेस का स्टैंड इस पर क्या होगा, निमंत्रण को लेकर क्या जाएगी कांग्रेस या नहीं, कांग्रेस के बड़े नेता जाते हैं या नहीं, यह फिलहाल यहां पर साफ हो गया है। और तर्क यह दिया गया है कि यह जो कार्यक्रम है, यह समारोह है, वो आरएसएस और बीजेपी का है। इस वक्त की बड़ी खबर, असमंजस की स्थिति अब क्लियर करते हुए यह कहा गया है कांग्रेस की तरफ से कि ना तो सोनिया गांधी जाएंगी, ना मल्लिकार्जुन खड़गे जाएंगे, ना अधीर रंजन चौधरी जाएंगे। ये बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के आज की डेट में, और ये तीनों ही नहीं जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है ये कार्यक्रम आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम है, इसीलिए इसे अस्वीकार कर दिया गया है। आशीष कुमार सिंह हमारे संवाददाता इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, ये बड़ी खबर इस लिहाज से हो जाती है क्योंकि 2024 और ये कहकर इसे अस्वीकार कर देना कांग्रेस का कि ये तो आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम है, नुकसान ना हो जाए कहीं बड़ा? देखिए, राजनीतिक तौर पर नफा नुकसान जरूर तोल लिया होगा कांग्रेस पार्टी ने, और उसके बाद ये आधिकारिक तौर पर औपचारिक बयान जारी किया है। इसमें दो महत्वपूर्ण आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी ने। एक सीधा आरोप लगाया है कि आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर मंदिर निर्माण का राजनीतिक उसको पहलू देने का कोशिश किया, उसकी राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश किया। और दूसरा आरोप ये लगाया है कि मंदिर अभी बन करके पूरा नहीं हुआ है, ऐसे में जो कि मंदिर ही अभी तक पूरी तरह से निर्माण ना हुआ, ऐसे मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कांग्रेस नहीं जाएगी। निश्चित तौर पर इस पर बड़ा सवाल जरूर उठेगा, पॉलिटिकल पार्टीज इस पर कांग्रेस को आड़े हाथों लेने की भी कोशिश करेंगी। न्योता तीनों को था, सोनिया गांधी को, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, अधीर रंजन चौधरी को, और तीनों ने ही इस इनवाइट को डिक्लाइन कर दिया है। निश्चित तौर पर इसके पॉलिटिकल रैमिफिकेशन होंगे, हो सकता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका खामियाजा भी उठाना पड़े। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि दो मुख्य बातों को रेखांकित किया गया है इस बयान में जो कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया, पहला कि मंदिर अभी तक पूरा नहीं हुआ है और बीजेपी और आरएसएस ने इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश। ठीक है, आप नजर रखिएगा आशीष, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम कहकर अस्वीकार कर दिया गया है निमंत्रण कांग्रेस की तरफ से। महाराष्ट्र में आज इंपॉर्टेंट दिन है, किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। और अब से थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था कि क्या हो सकता है, क्या कुछ ऑप्शंस जो हैं वो फिलहाल महाराष्ट्र को लेकर दिखाई दे सकते हैं फैसला आने के बाद। लता शर्मा भी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लता, आपके पास भी कोई ताजा अपडेट? और देखिए, अब चूंकि ये ऑप्शन उस रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं जो तमाम दल वहां पर अब बना रहे होंगे फैसला आने के बाद। देखिए, ये ऑप्शंस जो आपने बताए, अगर हम कुछ साल पहले जाएं 2019 से महाराष्ट्र राजनीति में जो हलचल देखी गई है, जो एक्सपेक्टेशंस होती है चाहे जनता की या मीडिया कर्मों की, उसके विपरीत ही होता है। चाहे 2019 में जो सरकार बनी थी या बगावत देखी गई थी एकनाथ शिंदे की तरफ से, या फिर अजित पवार जब उप मुख्यमंत्री बने थे, इस कारण से यहाँ पे जरूर यहाँ पे अटकले लगाए जा रहे हैं कि ज्यादातर संभावना शिंदे गुट के योग्यता होने की है, या फिर वो योग्य माने जाएंगे और विधानसभा स्पीकर, जैसे कि वो कह रहे हैं, संवैधानिक रूप से इसमें आप देंगे। लेकिन फिर भी ऑप्शंस में से ये कहा नहीं जा सकता है कि कौन सा ऑप्शन सही ठहराएगा इस फैसले में, क्योंकि जब भी आज तक 5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में जो हलचल देखी गई है वो काफी गंभीर देखी गई, और इसी कारण से अब देखा जा सकता है कि फैसला संभावना जरूर देखी जा रही है। जैसे कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि कई सारे कार्यकर्ता और जो नेता है शिंदे गुट के, उनका ये मानना है कि उनके ही पक्ष में ये फैसला आएगा। लेकिन फिर भी एक सवाल, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हर एक जो राज्य में देशवासी हैं, बिल्कुल, और पूरे देश में जो लोग हैं उनके जहन में ये जरूर है कि क्या जाके ये फैसला आएगा, क्योंकि कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जरूर ये देखना होगा कि फैसले में क्या जवाब आता है। जी, जाहिर है फैसला क्या होगा, इंतजार सबको इसका ही है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, फैसले से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शिंदे गुट के शिवसेना दफ्तर पर भी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। उद्धव गुट के दफ्तर पर भी फोर्स को तैनात किया गया है, यानी दोनों ही गुटों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, क्योंकि फैसला जो भी होगा उसके बाद एक गुट में नाराजगी जरूर दिखाई देगी, और इसीलिए एहतियातन ये कदम उठाया जा रहा है। कृष्णा, जाहिर है क्योंकि एक के पक्ष में आएगा तो दूसरे गुट का नाराज होना तय है, और उसके बाद जिस तरह से एक तरफ जश्न होगा, दूसरा भी शांत नहीं बैठेगा गुट। देखिए शिरीन, ये लगभग तय माना ही जा रहा था कि फैसला जो है वो किसी एक के अगर हक में आता है तो दूसरा गुट
बिल्कुल नाराज होगा और फिर एक राज्य में एक अप्रिय की स्थिति देखने को मिल सकती है। एक जगह जगह पर जो है वो अगर शिंदे गुट के समर्थन में फैसला आता है तो उद्धव गुट के कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन कर सकते हैं। और इसी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए देर रात, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं उनके सरकारी निवास स्थान पर कल एक बैठक हुई थी। उस बैठक में जो DGP हैं रश्मि शुक्ला वो भी पहुंची हुई थी, दोनों उप मुख्यमंत्री उस बैठक में पहुंचे हुए थे। उसके बाद जो मुंबई पुलिस के CP हैं वो भी पहुंचे हुए थे और ये जो तमाम बातें हैं उनको लेकर ये चर्चा की गई कि अगर फैसला किसी एक गुट के फेवर में आता है और तो दूसरा गुट नाराज होगा, जाहिर सी बात है जगह जगह पर प्रदर्शन देखने को मिलेगा और ऐसे में राज्य में किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना घटे इसके लिए बाकायदा अधिकारियों को ये कह दिया गया है कि कानून व्यवस्था को बनाकर रखा जाए। इसीलिए देर रात तक ये मीटिंग चली है और लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ये मीटिंग चली है और यही कारण है कि चाहे वो बाला साहब ठाकरे भवन हो, चाहे वो मातोश्री के बाहर का इलाका हो, सभी जगह पर सुरक्षा के जो है चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं ताकि फैसला आने के बाद, अब बस आने ही वाला है, लेकिन उससे पहले की ये तैयारियां हैं कि किसी भी तरीके से स्थिति जो है वो कंट्रोल में ही रहे, अनकंट्रोल ना। अब से थोड़ी ही देर बाद महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ी खबर आने वाली है क्योंकि आज फैसले का दिन है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर फैसला सुनाएंगे, जो भी फैसला सुनाए, लेकिन उससे पहले CM एकनाथ शिंदे और शिवसेना उद्धव गुट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है, सुनवाते हैं। हमारे पास मेजोरिटी है, इसी के बलबूते पर मेजोरिटी पर चुनाव आयोग ने हमें ओरिजिनल पार्टी शिवसेना पार्टी करके रिकॉग्नाइज किया है। अधिकार महोदय जी भी मेरिट पर हमारे को निकाल देंगे। हमें आशंका है क्योंकि सिर्फ स्पीकर और मुख्यमंत्री ऐसी ये मीटिंग नहीं थी। स्पीकर जो है वो ट्राइब्यूनल है और मुख्यमंत्री तो आरोपी है, तो क्या एक जज जिनके ऊपर आरोप है उनको मिल सकता है क्या? तो यही एक आशंका आती है कि क्या इन दोनों की मिलीभगत तो नहीं है। महाराष्ट्र का फैसला बस आने ही वाला है, स्पीकर नार्वेकर ऑनलाइन फैसला पढ़ेंगे, उद्धव और शिंदे गुट को बेसब्री से इस फैसले का इंतजार है, जो फैसला किसी भी वक्त आ सकता है और ये फैसला जो तय करेगा महाराष्ट्र में आगे क्या होगा। फैसला आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है, तो स्पीकर राहुल नार्वेकर जो ऑनलाइन फैसला पढ़कर सुनाएंगे, जिनके फैसले पर बहुत कुछ तय किया जाएगा आखिर महाराष्ट्र में आगे क्या हो सकता है। सभी सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्णा, आपके पास आते हुए कितना समय अभी और लग सकता है इस फैसले को आने में? देखिए, 4:30 बजे का समय दिया गया है शिरीन, जब राहुल नार्वेकर फैसला पढ़ना शुरू करेंगे। उसके पहले मैंने आपको बताया कि जगह जगह पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इसी कड़ी में एक बड़ा अपडेट ये भी है कि ठाणे जो जहाँ से एकनाथ शिंदे आते हैं उनका निवास स्थान है वहाँ पर भी, और साथ ही साथ जो आनंद आश्रम है, जो आनंद दीघे हैं, एकनाथ शिंदे के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, उस आनंद आश्रम के इर्द गिर्द भी पुलिस व्यवस्था जो है वो कड़ी की गई है। तो ये मान के चला जा रहा है कि अगर किसी एक गुट के समर्थन में फैसला आता है तो दूसरा गुट जो है वो लाजमी सी बात है कि वो नाराज होंगे और कई जगह पर प्रदर्शन किए जा सकते हैं। और इसीलिए सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि मुंबई से सटा हुआ ठाणे शहर हो, चाहे नवी मुंबई हो या पूरे महाराष्ट्र में जितने भी संवेदनशील जगह हैं, उन सभी जगह पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो अलर्ट कर दी गई है। और इसी कड़ी में ठाणे के आनंद आश्रम के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट कर दी गई है। ठाणे से एकनाथ शिंदे आते हैं और जिस आनंद आश्रम की मैं बात कर रहा हूँ, उस आनंद आश्रम का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आनंद दिघे जो एकनाथ शिंदे के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन अपडेट के लिए फिर से मैं आपके पास आऊंगी। एक बड़ी जानकारी भी अपने दर्शकों को बता देते हैं यहाँ स्टूडियो से, महाराष्ट्र सरकार को खतरा क्यों नहीं, इसे भी आप जरा समझिए कि फैसला जो आएगा उस पर खतरा क्यों नहीं। अगर 16 विधायक अयोग्य, बहुमत का आंकड़ा 270 सीटों के मुताबिक होगा, बहुमत के लिए जरूरी है 136 का नंबर। अब ये देखिए, सरकार में 187, BJP 104, NCP अजीत गुट ये प्लस हो जाते हैं 41, और उसके बाद शिवसेना शिंदे गुट 24, ये कुल मिलाकर, और साथ ही अन्य 18, सरकार में 187 है। ये पूरा समीकरण है और ये समीकरण क्योंकि अगर अयोग्य करार दिए भी गए तो जिस तरीके से सटीक बैठेगा वो बताएगा कि सरकार को खतरा आखिर नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा। लेकिन फिलहाल तो इंतजार उस फैसले का है जिस फैसले के बाद बहुत कुछ तय होना है। राजेश, हालांकि इसे लेकर देखिए अभी से सवाल भी खड़े हो गए हैं और उस बैठक को लेकर भी जो स्पीकर के साथ बैठक हुई उस पर, उसको लेकर आशंका ज्यादा उद्धव गुट के मन में है कि भाई फैसला
जो है वो संविधान के मुताबिक नहीं बल्कि नियमों को ताक पर रखकर भी दिया जा सकता है। जी बिल्कुल, उद्धव ठाकरे जो कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने सीधे आरोप लगाया था कि एकनाथ शिंदे और राहुल नार्वेकर की जो है वो एक बैठक हुई है, वो मिले हैं और उनका मिलना वो अवैध है। ऐसे कोई भी विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकता है। अगर उन्हें मिलना है तो जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो मुख्यमंत्री को खुद भी बुला सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। तो ये जो बैठक हुई है इसको लेकर के उद्धव ठाकरे जो है वो आशंका जाहिर कर चुके हैं कि मैच फिक्सिंग हो सकता है और हो सकता है कि हमारे पक्ष में ये फैसला ना आए। लगातार संजय राउत भी इसको लेकर के जो है आशंका जाहिर करते हैं। आज हमने कुछ लोगों से जो ये शिंदे गुट का जो यहाँ पर राजनीतिक दफ्तर है उसी के बगल में शिवालय है जहाँ पर उद्धव ठाकरे गुट का जो है पार्टी दफ्तर है, वहाँ भी लोगों से हमने बातचीत किया तो वो भी वहाँ के लोग भी मायूसी नजर आए। उन्होंने कहा कि फैसला जो है एक तरफा हो सकता है, सीधे उन्होंने बात नहीं की लेकिन उद्धव गुट लगातार आशंका जाहिर कर रहा है कि उनके पक्ष में फैसला नहीं आएगा। बिल्कुल, और इसी को लेकर ये इशारे भी किए जा रहे हैं, ये अंदेशा भी जताया जा रहा है लगातार। अब आपको ये समझाते हैं इस बड़ी स्क्रीन के जरिए कि कैसे बन सकती है सरकार। आप इसे भी समझिएगा, सरकार में शिंदे गुट के 10 मंत्री, नियम के मुताबिक शिंदे के साथ मंत्रियों को भी इस्तीफा देना होगा, वो भी इस्तीफा देंगे। सरकार में बीजेपी के 10 और एनसीपी अजीत गुट के 9 मंत्री हैं। शिंदे के इस्तीफे से जो है वो सरकार गिर जाएगी, इस्तीफा देने से नई सरकार को शपथ लेना होगा। उसके बाद शिंदे और उनके मंत्री दोबारा शपथ ले सकते हैं। इसके साथ ही 6 महीने तक बिना सदन की सदस्यता के मंत्री रह सकते हैं, 6 महीने में दोबारा विधानसभा चुनाव होंगे, ये नियम कहता है। नियमों के मुताबिक आपको बता रहे हैं, बीजेपी के पास विकल्प क्या है। देवेंद्र फडणवीस सीएम बन सकते हैं, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। शिंदे गुट के खाली पदों को बीजेपी एनसीपी अजीत के बीच बांटा जा सकता है। अगर वो इस्तीफा देते हैं और उसके बाद वो पद खाली होते हैं तो इस तरीके से बंटवारा हो सकता है। और इसीलिए अब ये फैसले के बाद निर्भर करेगा कि कौन सा ऑप्शन और किस तरीके से क्या रणनीति तय की जा रही है। लता, क्या बता रहे हैं आपके सूत्र, आगे किस रणनीति पर काम हो रहा है? हम तमाम ऑप्शंस तो अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं लेकिन कौन सी वो रणनीति हो सकती है जिस पर फौरन काम किया जाएगा आगे? देखिए, फिलहाल तो जितने लोग बात कर रहे हैं, जितने नेताओं के बयान आ रहे हैं, उससे ऐसा ही लग रहा है कि शिंदे गुट के पक्ष में ही यहाँ पे फैसला आ सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये राजनीति है और राजनीति में कुछ भी यहाँ पे अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, जैसे राहुल नार्वेकर की मुलाकात हुई मुख्यमंत्री के साथ और अब 4 बजे ये लाइव अचानक से जाने का इनका प्लान हुआ। आपको बता दें कल तक ये जो फैसला था सभी विधायकों को, एडवोकेट्स को मेल पर जाने का तय हुआ था लेकिन आज सुबह को ये तय किया गया कि जो दोनों गुटों के एडवोकेट्स वो आएंगे विधान भवन में, उनके सामने फैसला सुनाया जाएगा, लाइव सुनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे पीछे अनुमान लगाए जा रहे हैं, जरूर ऐसे सोच बन रही है कि ये फैसला उनके पक्ष में जरूर आएगा। लेकिन जैसे कि राजनीति है तो हो सकता है कि एकनाथ शिंदे का अगर वो अयोग्य माने जाते हैं, 16 विधायक अयोग्य माने जाते हैं तो अजीत पवार के हाथ ये जो पावर है कहीं ना कहीं आ सकती है। इसी वजह से बस देखना होगा कि 4:30 बजे जो कि अब समय हो चुका है और अभी ये जो सुनवाई है शुरू होगी रहेगी, फैसले के जो पॉइंटर्स हैं वो रीड करने शुरू हो गए होंगे राहुल नार्वेकर और उसके बाद देखना होगा कि किस तरीके से ये फैसला किसके पक्ष में आता है। जो हम सभी यहाँ पे अनुमान लगा रहे हैं वो क्या सच होता है और क्या नहीं। जी जाहिर है, और ये अनुमान बहुत पहले से ही लगाया जा रहा था जब ये भूचाल आने शुरू हुए थे महाराष्ट्र की राजनीति में। आप सभी हमारे साथ रहिए, तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं क्योंकि इस फैसले का इंतजार हो रहा है और फैसला जो आना है महाराष्ट्र पर वो बहुत राजनीतिक उसके मायने आगे हो जाएंगे। शिंदे समेत 16 विधायकों पर ये फैसला आना है। दल बदल कानून के तहत ठाणे में शिंदे के घर पर जो है सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र पर ये फैसला बहुत कुछ तय करेगा आगे और इसे लेकर अब जाहिर रणनीतियां बननी भी शुरू हो गई हैं। शिंदे समेत 16 विधायक हैं जिनके भविष्य पर यह फैसला होना है। स्पीकर राहुल नार्वेकर फैसला सुनाएंगे और ऑनलाइन फैसला पढ़ा जाएगा, सुनाया जाएगा राजेश। और इसी बीच सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है, शिंदे के आवास के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। जी बिल्कुल, शिंदे मुख्यमंत्री शिंदे के आवास के बाहर तो बढ़ाई दी गई है सुरक्षा। जहां जहां पर शिवसेना के जो है पार्टी दफ्तर हैं, जहां जहां पर शिवसैनिक इकट्ठा हो सकते हैं, उन सभी जगहों पर मुंबई पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं।
महाराष्ट्र पुलिस के आला अधिकारी जो है एक दिन पहले और आज भी जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और किस तरह से ये पूरे इसको लाइन ऑर्डर देखा जाएगा उसकी सारी व्यवस्थाएं पहले से की गई हैं। लेकिन अभी जब फैसला आएगा उसके बाद कहां पर ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था होगी उस पर ध्यान रखना होगा। मैं तस्वीरें आपको यहां पर, ये जो मेरे पीछे बाला साहेब भवन है, ये जो शिंदे गुट का पार्टी दफ्तर है वहां पर आप देखें कि कितने मुंबई पुलिस के यहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। और इसी के आगे हम जाएंगे तो शिवालय है जो कि उद्धव गुट का जो है वो पार्टी दफ्तर है, वहां पर भी बहुत सुरक्षा व्यवस्था की इंतजाम है। विधान भवन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था की इंतजाम है। तो फैसले के ऊपर है क्योंकि महाराष्ट्र में और खासकर शिवसेना में जब कोई फैसला होता है और कोई ऐसा मामला होता है तो फिर नारेबाजी हो जाती है, हो सकता है कि आपस में गुटबाजी में थोड़े से जो है झड़प भी हो जाए, तो इस तरह की चीज़ें अक्सर हम देखते आए हैं। तो इसको देखते हुए मुंबई पुलिस ने यह सारी व्यवस्थाएँ की हैं। हालाँकि ऐसी कोई आशंका अभी नहीं है लेकिन क्या फैसला आता है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है और मुंबई पुलिस उसके लिए पूरी तरह से तैनात है, मुंबई से लेकर ठाणे और ठाणे से लेकर पूरे महाराष्ट्र में। क्योंकि एहतियातन ये फैसला आने के बाद जो है वो इसी को लेकर ये कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। सुरक्षा बहुत बड़ा मसला हो जाता है अक्सर महाराष्ट्र में, फैसले का इंतजार तो है ही, लेकिन किन विधायकों पर फैसला आना है वो भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं। यहाँ पर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, इन पर फैसला आएगा। संदीपान राव भुमरे रोजगार मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे डॉक्टर तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार अल्पसंख्यक विकास मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये वो चेहरे हैं जिन विधायकों पर फैसला आना है। इसके साथ ही भरत शेठ गोगावले विधायक हैं महाट से, औरंगाबाद पश्चिम से विधायक संजय शिरसाट पर भी फैसला आएगा, विधायक भाईखला यामिनी जाधव पर भी फैसला आएगा, अनिल बाबर विधायक खानापुर, इन तमाम पर दल बदल का जो आरोप है उसी के तहत ये फैसला आएगा। डॉक्टर बालाजी किणीकर विधायक अंबरनाथ से, मागा ठाणे के विधायक प्रकाश सुरवे, महेश सिंधे विधायक कोरेगांव और चोपड़ा विधायक लता सोनवणे, इन तमाम चेहरों पर भी फैसला आना है। चिमन राव पाटिल विधायक हैं एरंडोल से, वैजापुर के विधायक रमेश बोरनरे, मैकर के विधायक डॉक्टर संजय राय मूलकर और बालाजी कल्याणकर विधायक हैं नांदेड़ उत्तर सीट से। इन पर फैसला किसी भी वक्त आ सकता है, ये चेहरे इन्हीं का भविष्य तय होगा। और राहुल नार्वेकर जो बताया जा रहा है कि ऑनलाइन फैसला पढ़ेंगे, फैसला क्या देते हैं वो तो देखना होगा। और अब एक राजेश और साथी हमारे साथ कृष्णा बने हुए हैं। कृष्णा, आपने कहा था कि 4:30 का वक्त दिया गया है, फैसला ऑनलाइन पढ़ा जाएगा, ऑनलाइन फैसला पढ़ने के पीछे की वजह क्या है? देखिए, ये अभी इस वक्त स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ऑनलाइन जो फैसला है वो क्यों पढ़ा जा रहा है। हालांकि इस पर आने वाले कुछ समय में जो है स्पष्टता आ सकती है। पहले ये तय किया गया था कि जो दोनों गुटों के वकील हैं उनको बुलाया जाएगा, उनके सामने फैसला पढ़ा जाएगा और फिर मेल के जरिए सभी विधायकों को डिटेल ऑर्डर कॉपी जो है वो भेजी जाएगी। लेकिन सुबह होते ही हमने देखा कि किस तरीके से ये एक अपडेट आया कि इस पूरे मामले में फैसला ऑनलाइन लिया जाएगा। इसके पीछे के जो कई कारण है वो क्या कारण है वो स्पष्ट नहीं हो पाया है, वो आने वाले समय में स्पष्ट हो सकता है कि फैसला ऑनलाइन पढ़े जाने को लेकर क्या कुछ कारण है। ठीक है, और आप जिस तरह से शिंदे गुट के कार्यालय के बाहर खड़े हैं, मैं चाहूंगी एक बार तस्वीरें भी राजेश आप दिखाइएगा कि वहां किस तरह की हलचल है। तस्वीर में आपको दिखाता हूँ, ये शिंदे गुट का ये दफ्तर है बाला साहेब भवन जो कि पार्टी दफ्तर है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है। दोपहर से यहाँ पे जो उनके विधायक हैं उनके विधायकों का लगातार आना जारी था और अब वो धीरे धीरे करके एक एक करके वो यहाँ से निकलते हुए विधान भवन की तरफ जा रहे हैं। जी हाँ, वहाँ पर पहुँच रहे हैं क्योंकि फैसला जब आएगा तो वहीं पे सारे लोग मिलेंगे। पहले ये यहाँ पर एक जैसा कि बताया गया था कि सारे विधायक जो शिंदे गुट के विधायक हैं वो यहाँ से एक साथ जो है पैदल जाएंगे विधान भवन तक, लेकिन अभी बहुत सारे जो उनके विधायक यहाँ पर पहुँचे थे वो एक एक करके धीरे धीरे वो विधान भवन की तरफ जा चुके हैं, निकल चुके हैं और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम दिए काफ़ी दिखाए जा रहे हैं। आप देखिए कि दूर तक यहाँ पर पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और लगातार ये जो पुलिस बल के जवान आपको दिख रहे हैं यहाँ पर नहीं, ये दूर तक हैं क्योंकि आगे जो है शिवालय है। शिवालय वो जगह है जहाँ पर उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना का पार्टी दफ्तर है। तो दोनों दफ्तर जो है वो शिंदे गुट का हो या फिर उद्धव ठाकरे गुट का शिवसेना का, दोनों अगल बगल में ही हैं। इसलिए ये आशंका है कि अगर फैसला आता है तो कोई भी पक्ष जो है यहाँ पर अगर उत्साह का माहौल होता है तो वहाँ पे हो सकता है कि वो लोग उत्साहित हो जाएं, गुस्से में आ जाएं। तो इसको देखते हुए इस जगह पे सबसे ज्यादा
सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। और जैसा कि हम सुबह से यहां पर जो माहौल देख रहे हैं, वास्तव में शिवालय जहां पर उद्धव ठाकरे का दफ्तर है वहां पे लोग वास्तव में पहले से ही गुस्से में नजर आ रहे हैं। उनसे बातचीत करो तो वो बातचीत नहीं कर रहे हैं, बोल रहे जब फैसला आएगा तब बात करेंगे। लेकिन यहां पर अगर हम बात करते हैं तो वो लोग बहुत खुशी खुशी बात कर रहे हैं, उनमें एक उत्साह दिख रहा है यहाँ जीत तो हमारी होगी। तो ये जो माहौल है ये बाद में किस तरह से तब्दील हो जाए इसको देखते हुए काफी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया और वो यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा ही फैसला आता है उसके बाद यहाँ पर मुस्तैदी और भी बढ़ सकती है। ठीक है, आप रहिए राजेश हमारे साथ और कृष्णा भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन इसी बीच देखिए ये फैसला थोड़ी देर में आ जाएगा। 4:30 का समय दिया गया था और कहा गया था कि ऑनलाइन फैसला पढ़ा जाएगा, क्यों इसको लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन ये पूरा सियासी ड्रामा जो है महाराष्ट्र का, उसकी ABCD आप जरा समझिए। इस बड़ी स्क्रीन के जरिए आपको आसानी होगी पूरा मामला समझने में। जून 2022 में शिंदे गुट ने विद्रोह किया सबसे पहले, उसके बाद शिवसेना दो धड़ों में बट गई, इसके दो अलग अलग धड़ हो गए। महाविकास अघाड़ी की सरकार इस बगावत के बाद, इस टूट के बाद ये जो है वो भी टूट गई। एकनाथ शिंदे बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए, शिंदे को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया, बीजेपी ने समर्थन दिया। NCP अजीत गुट सरकार में शामिल हुआ, NCP में भी ये गुटबाजी उसके बाद देखी गई। शिवसेना पर हक की जो लड़ाई है वो चुनाव आयोग तक जा पहुंची, ये मामला चुनाव आयोग जा पहुंचा। शिंदे गुट को शिवसेना नाम चुनाव चिन्ह तीर धनुष मिला, ये शिंदे गुट इसमें जो है उसने बाजी मारी। इसके बाद ठाकरे गुट को शिवसेना UBT नाम चुनाव चिन्ह जलती हुई मशाल मिली। ये जब दो धड़े अलग हुए उसके बाद सारी चीजों का बंटवारा भी हुआ, कोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंचा। और किस तरीके से देखिए ये पूरा सियासी ड्रामा, ये सियासी ड्रामा अब यहां तक आ पहुंचा है कि अब कौन योग्य है कौन नहीं इसे लेकर फैसला आना है। हमारे साथ दोनों सहयोगी लगातार इस पर एक एक डिटेल आपके सामने रख रहे हैं। कृष्णा भी हमारे साथ हैं और राजेश भी हमारे साथ हैं। राजेश, मैं आपके पास आऊंगी और आप कोशिश कीजिएगा लोगों से बात करने की, लेकिन पहले जरा आप जल्दी से कृष्णा बताइए यहां पर मुझे कि कितना समय और 4:30 तो बच गए, ये देरी क्यों हो रही है? देखिए शीरिन, फैसले का वक्त हो चुका है और अब से कुछ ही देर बाद, कुछ ही मिनटों बाद राहुल नार्वेकर जो है वो फैसला पढ़ना शुरू करेंगे। फैसला पढ़ने से पहले ये बताया जा रहा है कि सूत्र बता रहे हैं कि राहुल नार्वेकर जो है वो सीनियर वकीलों से चर्चा कर रहे हैं और कुछ ही मिनटों के बाद ये चर्चा फाइनल की कर ली जाएगी और बहज कुछ ही मिनटों का इंतजार है। उसके बाद राहुल नार्वेकर ऑनलाइन तरीके से फैसला पढ़ना शुरू करेंगे और कम से कम आधे से एक घंटे का ये पूरा फैसला होगा और ये पता चल जाएगा कि इस वक्त आज जो है वो फैसला किसके हक में आता है, कौन से गुट का विधायक जो है वो अयोग्य करार दिया जाता है, किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, कौन सा खेमा खुशी मनाएगा और कौन से खेमे में मायूसी होगा। तो महज एक से डेढ़ घंटे का इंतज़ार है जब ये पता चल जाएगा कि आज कौन से विधायक जो है वो योग्य करार दिए जाएंगे और कौन से विधायक जो है वो अयोग्य करार दिए जाएंगे। ठीक है, आप नजर रखिएगा इस पर। राजेश, अब ये बताइए क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं कि वहां पर दो तरह का माहौल आप देख रहे हैं, एक गुट में निराशा दिखाई दे रही है, एक जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है, ऐसा क्यों? और कोशिश कीजिए अगर कुछ लोगों से भी आप वहां पर बात कर सकें तो। ऐसा ये कि उद्धव ठाकरे पहले से कह रहे हैं कि इसमें मैच फिक्सिंग हो गई है और लगातार जो है जो शिंदे गुट है वो कह रहा है कि जो जिस दिन से मुख्यमंत्री बन चुके हैं एकनाथ शिंदे उसी दिन से हमारी जीत हो चुकी है। उद्धव ठाकरे पहले ही रिजाइन करके वो गलती कर बैठे हैं तो फैसला उनके पक्ष में। आइए हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, यहाँ पर तमाम जो विधायक हैं और जो यहाँ पर कार्यकर्ता भी यहाँ पर शिवसेना शिंदे गुट के मौजूद हैं, उनसे बातचीत। मैडम, आज जो फैसला आ रहा है, आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, फैसले के इंतजार में खड़े हैं? बिल्कुल, हम फैसले के इंतजार में खड़े हैं और फैसला हमारी तरफ लगेगा इसकी भी हमको पूरी उम्मीद है। कि कैसे, क्यों उम्मीद है? क्योंकि ये तो अदालत का और इस पे जो है कानूनी फैसला है, अभी जब तक पता नहीं चला है, कैसे आप लोग उम्मीद खुशी जाहिर कर रहे हैं? हम अदालत का सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन हम जिस गुट से जुड़े हैं, हम जिन साहब को फॉलो करते हैं शिंदे साहब, उस पर हम पर हमको पूरा भरोसा है क्योंकि हमेशा सत्य की जीत होती है और हमारे साथ सत्य के साथ है, इसलिए पूरा भरोसा है कि शिंदेगढ़ की जीत होगी, आज का फैसला हमारे फेवर में लगेगा। और भी लोग हैं उनसे बातचीत करके। भाई साहब, आपको क्या लगता है फैसला किसके पक्ष में होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या बदल जाए ये पता नहीं चलता है। पूरे देश में सबसे जो टिपिकल राजनीति है वो महाराष्ट्र की राजनीति। आप लोग खुशी तो जाहिर कर रहे हैं लेकिन फैसला आया, और अगर और कुछ भी फैसला आ गया तो फिर क्या होगा? फैसला जो भी होगा हम उसका सम्मान करेंगे, ऐसा नहीं, लेकिन सत्य की भी बात होती है ना, तो सत्य हमारे साथ है और हम सत्य के साथ है, सत्य की जीत होगी। मैडम, आप कुछ कहेंगी?
क्या कहेंगे आप आज के फैसले को लेकर के, किस तरह से आप लोग उत्साहित हैं? और सुबह से मैं देख रहा हूँ दोपहर से कि यहाँ के शिंदे गुट के जो भी शिवसैनिक हैं वो लगातार यहाँ पर मजमा लगाए हुए हैं। हमें पूरा यकीन है कि जो भी फैसला आएगा हमारे इसमें आएगा, क्योंकि हमारे पास मेजोरिटी है, ताकत है, जो हमें चाहिए। और सही से देखा जाए तो हमारे पास बाड़ा साहब ठाकरे का आशीर्वाद है, हमारे साथ दिग्गज साहब का आशीर्वाद है, और हमारे साथ सत्य के सत्य है। इसलिए हमको पूरा यकीन है कि फैसला हमारे ही फेवर में आएगा। ये शिंदे गुट के ये कार्यकर्ता हैं और वो देखिए कि किस तरह से अपनी वो उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि फैसला तो उन्हीं के हित में आने वाला है, उन्हीं के पक्ष में आने वाला है। तो इस तरह से सब लोग अपने जो राय वो जाहिर कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, खुशी दिखाई दे रही है फैसला आने से पहले ही। लेकिन देखना होगा कि फैसला किसके पक्ष में आता है। महाराष्ट्र पर बस थोड़ी ही देर में फैसला आने वाला है और फैसले से पहले सुरक्षा व्यवस्था महाराष्ट्र में कड़ी कर दी गई है। ठाणे में भी इस वक्त पुलिस प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। ठाणे में आनंद आश्रम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शिंदे के निजी आवास पर भी सुरक्षा इस वक्त कड़ी कर दी गई है। तो फैसला आने से पहले जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है ताकि फैसला आने के बाद किसी तरह की अव्यवस्था का माहौल ना हो। ठाणे में आनंद आश्रम की सुरक्षा बढ़ाई गई और निजी आवास जो है मुख्यमंत्री शिंदे का, उसकी भी जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद कर दी गई है। कृष्णा, जल्दी से बताइएगा अपडेट, क्योंकि इंतजार बस उस फैसले का है जो तय करेगा महाराष्ट्र में आगे क्या होगा। बिल्कुल श्रीन, जहां एक तरफ हर जगह की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ 4:30 बजे का समय दिया गया था जब ये कहा गया था कि स्पीकर फैसला पढ़कर सुनाना शुरू करेंगे। लेकिन इस वक्त मैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 4:55 का समय हो रहा है, महज 5 बजने में सिर्फ 5 मिनट की देरी है, यानी कि अपने तय समय से आधे घंटे की देरी से अभी स्पीकर चल रहे हैं। और इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि लगातार जो स्पीकर हैं वो अपने चैम्बर में इस वक्त मौजूद हैं और वकीलों से बातचीत कर रहे हैं, और ये बातचीत में इतनी देरी इसलिए रही है शिरीन क्योंकि स्पीकर ये नहीं चाहते हैं कि अगर फैसला दिया जाए तो उस फैसले में कोई त्रुटि निकाली जाए। तो लगातार चर्चाओं का दौर शुरू है वकीलों के साथ और इसके पीछे की वजह यही बताई जा रही है कि अगर फैसला दिया जाएगा तो फैसले को लेकर कोई सवाल। आप लोग नजर बनाकर रखिए इस खबर पर, आप जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को दीजिएगा।